अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था। ओवैसी के अयोध्या मामले पर बयान देने के बाद उनको लोग निशाने पर लेने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी करने के चलते ओवैसी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल भोपाल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह केस जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन में वकील पवन कुमार यादव द्वारा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अयोध्या मामले पर उकसाने वाली बयानबाजी करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान देने के कारण शिकायत दर्ज कराई गई है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अचूक नहीं है और वह भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड का समर्थन करते हैं, जिसने कोर्ट के फैसले से असंतुष्टि जाहिर की है। ओवैसी ने कहा था कि जिन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था, आज सुप्रीम कोर्ट उन्हीं लोगों को कह रहा है कि वह ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण शुरू करें। ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम अपने हक के लिए लड़ेंगे और उन्हें मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन खैरात में नहीं चाहिए। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि यदि मैं हैदराबाद की सड़कों पर भीख मांगूंगा तो मैं यूपी में मस्जिद बनाने लायक रकम इकट्ठा कर सकता हूँ। वहीं अपने एक अन्य बयान में ओवैसी ने आरएसएस पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि संघ देश के मुसलमानों को भगवा रंग में रंगना चाहता है। आरएसएस आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन आप गुलाम मत बनो और बराबरी हासिल करो। ओवैसी ने यह भी कहा कि मेरे रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो शहादत के लिए बेचैन है, मगर याद रखो कि यहाँ से जो आवाज उठेगी इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजेगी। पुलिस की दी गई शिकायत में कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी का भाषण एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है। उनके इस भाषण के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, साथ ही उन पर देशद्रोह के आरोप भी लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में सरकार के विरुद्ध अपना पक्ष रखना देशद्रोह ही कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत कोर्ट ने सरकार को 3 माह में ट्रस्ट बनाने की समय सीमा तय की है। यही ट्रस्ट मंदिर निर्माण के काम को देखरेख करेगी। वहीं कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने की भी सरकार को निर्देश दिए थे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।